फाइनली उसने बोला शवासन लिया। गुड मॉर्निंग एंड हेलो माय हैप्पी फेसेस। आप लोग देख रहे हो कि हम वर्कआउट गियर में हैं। सो आज एक्चुअली पहला दिन है कि हम वापस से अपनी कल्ट की मेंबरशिप को अनपॉज कर रहे हैं और पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं आफ्टर I don't even know how long, मतलब हमने almost an year, we're gonna go for a core yoga class. हमने पहले ही एकदम बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के क्लास बुक कर दी है। लॉकडाउन से पहले जनवरी में we started our cult की membership. तो दोनों साथ में जाते थे रोज 8 बजे हम क्लास अटेंड करते थे 8:30। उसके बाद वापस आके फटाफट मेड दी से काम करवा के साथ में ऑफिस जाना and all that. मतलब it used to be so crazy, but we used to enjoy it so much because हमें एक्चुअली में लगा था कि हमें फर्क पड़ रहा है एंड यू नो इट्स वर्किंग वेल फॉर अस। एक्सरसाइजिंग ऑफ कोर्स डज गुड। वी फाउंड अ कल्ट सेंटर नियर आवर प्लेस एंड वो अभी खुल गया है सेंटर, पहले खुला नहीं हुआ था। सो वी आर गोइंग, दिस इज द फर्स्ट डे, वी आर गोना टेक यू अराउंड द जर्नी। होपफुली वी आर गोना बी रेगुलर दिस टाइम। ऑल्सो सी दैट प्रिकॉशंस क्या है वहाँ। हम थोड़ा सा फिनिकी है कि वहाँ पे ऐसे प्रिकॉशंस वगैरह कैसी है। इतना हमने मतलब ऐप से देखा है, सो दे आर सेइंग दैट यू नो दे आर सैनिटाइजिंग द क्लासेस आर नॉट फॉर 50 मिनट्स नाउ, दे आर फॉर 40 मिनट्स सो दैट दे गेट टाइम इन बिटवीन द सेशंस फॉर सैनिटाइजेशन एंड एवरीथिंग। वी हैव टू कैरी आवर ओन योगा मैट्स, ऑफ कोर्स मास्क एंड आवर ओन वाटर बॉटल। फर्स्ट day where we're actually resuming our cult membership and let's hope that it works well for us. हाँ यही है, योगा मैट लेके जा रही है वो। हम पहली बार आ रहे हैं सेंटर पे, वी आर जस्ट फॉलोइंग अ पर्सन जिसके पास भी हाथ में योगा मैट है। मोरा मोरा दिख रहा है कल्ट। ऐसा लग रहा है कि हमने लेग डे कर लिया है, ऐसे टांगे टेढ़ी हो रही है नीचे उतरते उतरते। कैसा लगा तुम्हें वर्कआउट करके? अच्छा लगा? मुश्किल था ना? It wasn't that easy. It was like 50 मिनट वर्कआउट में 40 मिनट करा। हाँ ज्यादा इतना रेस्ट का भी टाइम नहीं मिला, मतलब बैक टू बैक हो रहे थे आसन। ओवरऑल फेल्ट गुड, नाउ आई फील गुड। मतलब उस टाइम पे तो लग रहा था कि चलो फटाफट है, बट आज वर्कआउट करके हम थोड़ी देर से धूप में बाहर आके बैठ गए हैं। ऑल्दो मतलब अब थोड़ी सी सर्दी कम हो गई है तो धूप ऐसा नहीं, बट इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना एट पीस लग रहा है ना यहाँ बैठ के। हमें कैसा लगा आज वर्कआउट करके? कितने टाइम बाद हमने वर्कआउट करा ना, मुश्किल लग रहा था सोचते हैं यार क्या हो रहा है ये, बट ठीक है, दिस वाज अ स्कोर ही हुआ। क्लासेस जो है वो 50 मिनट्स की नहीं है, 40 मिनट्स की है, तो वही उसको 40 मिनट में सारे आसन। और फिर जब फाइनली उसने बोला शव आसन लिया, दिस इज माय फेवरेट आसन। मिलते हैं तुमसे कल, होपफुली देखते हैं कल कौन सी क्लास अटेंड करेंगे, बुक कर देते हैं है ना। चलो सी यू। सो दिस इज व्हाट वी आर लंचिंग टुडे पोस्ट माय ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट। सम सॉर्टेड मशरूम दलिया जो कि मैंने चिकन ब्रॉथ में बनाया, ऑफ कोर्स a lot of vegetables and then 3 अंडों का ऑमलेट। लंच लुक्स डिलीशियस। आई एम कंप्लीटली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट इज अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट आई एम हैविंग पालक पनीर, 1 बोल ऑफ पालक पनीर एंड 2 पीसेस ऑफ ढोकला विद सम सैलड एंड इट्स अराउंड 8:30। इट्स गोना फिनिश माय डिनर, वी विल सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग, टुडे इज द डे नंबर 2। हम लोग फिर से जा रहे हैं आज अपनी कल्ट की क्लास के लिए। आज हमारी डांस फिटनेस की क्लास है। बहुत ही मतलब ब्रेवली हमने डांस बुक करा है जबकि हमारे को सिर्फ दूसरा दिन है। सो कल योगा करते करते ना मेरे लेफ्ट पैर के एक उंगली में कुछ तो कड़क दर्द हो गई, काफी तेज। पूरे दिन उस उंगली में ना बहुत दर्द रही, तो अभी मैंने पता नहीं कैसे होगा, देखते हैं। डे नंबर 2 चेक ऑलमोस्ट, अब हम तुम्हें मिलेंगे बाद में। हम आज काफी लेट है, हम एज पर ETA हम एग्जैक्टली 8:29 पे पहुंचेंगे और हमारे पास उसके बाद सिर्फ 1 मिनट होगा भाग के जाने का। एंथू है, मैंने तो थोड़ी सी ब्लैक कॉफी भी पी ली है, तो मैं खुद ज्यादा ही एंथू हूँ। मिलते हैं तुम लोगों को क्लास के बाद। What a workout! Oh my God! रुक जा, मेरा कैमरा हिलेगा। आज तो गदर गदर मचा दी हमने डांस फिटनेस में, मजा आया। निपुण 10 बार तो उसने पीछे घड़ी देखी होगी कि क्या क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, और मेरा मन कर रहा था उसको बोलने का चुपचाप वर्कआउट कर लो। एक्चुअली क्या है, स्टैमिना बहुत कम हो चुका है बिकॉज हमने काफी टाइम से वर्कआउट नहीं कराया है ना, फर्स्ट टाइमर की तरह ही ट्रीट करे गए हम। शुरू में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हमने थोड़ा बहुत ऑफलाइन क्लासेस करी थी, काफी महीने करी थी। मास्क पहनते हैं। बट द सेकंड डे ऑफ द वर्कआउट इज ऑल्सो डन सक्सेसफुली,
सुबह सुबह मेरी वर्कआउट ना, सो एक तो बस उठने का प्रॉब्लम है, हम थोड़ा आज लेट हो गए, हम आलस कर गए, बट एक बार आप बेड से उठ जाओ ना, एक बार आप उठ जाओ तो फिर कोई ऐसा आलस नहीं लगता. एक बार आप उठ गए, चेंज वेंज कर लिया, देन यू आर लाइक काइंड ऑफ इन द जोन ऑफ वर्किंग आउट, सो दैट वर्क्स. एक बार वहां पहुंच गए तो वो करा ही देंगे आपसे. हां, एक बार वहां पहुंच गए तो करना ही पड़ेगा. मतलब शर्म ही आ जाती है सब कर रहे हैं, और अगर आप रुक गए तो फिर मतलब आउट ऑफ शर्म भी आप कर लेते हो. आई एम ग्लैड दैट हम दोनों साथ में जा रहे हैं. मैं अकेले जाती तो मे बी मैं थोड़ा आलस कर जाती, बट अभी वी ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक मोटिवेट ईच अदर एंड हम चले जाते हैं. सो या So one of those days where I couldn't get time to cook, so Nipun has made poha and मैंने उसके साथ लिए हैं boiled eggs just to get that intake of protein as well. That's the lunch for the day. बहुत लेट हो गया डिनर के लिए और मैं आधा तो खा भी चुकी हूँ बातें करते करते. और मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि मैंने दिखाना है तुम लोगों को. ऑफकोर्स मैं खा रही हूँ भिंडी जो मैंने सुबह बनाई थी, बहुत यम्मी बनी है, और ये कल का दलिया है. बहुत लेट हो गया, आज काफी स्ट्रेसफुल डे था, so I'm having this dinner. See you all tomorrow. Good morning you all. Today is day number 3. मैं सुबह 7:30 बजे से उठी हुई हूँ, फिर भी आज हम लेट है. आज हमारी 9 बजे की क्लास है और यहाँ पे बज चुके हैं ऑलरेडी 8:49 और अभी हमें लगेंगे 11 मिनट पहुँचने में. सारा दारमदार निपुण पे है. और आज एक्चुअली हमारी HRX वर्कआउट है, विच इज सपोज टू बी लाइक काफी इट्स नॉट दैट इजी. हमने वर्कआउट देखा था तो लंजेस, स्क्वाट्स एंड वेट्स एंड एवरीथिंग, तो देखते हैं कैसा रहता है. How you feel after leg day? That happens after leg day. So how was it for you? It was very difficult. HRX workout hamesha hi difficult hota hai. I could see from Nipun's expressions during the workout that lag rahi hai boss. Matlab nahi ho pa raha, aaj leg day tha waise. Batao tum kya feel kara tumne? Maine apni taange feel kari, uske baad wo bhi nahi feel kari. Are bilkul proper lunges, squats and what not, load, beast load, unload, koi nahi. That's always the first time. और अभी हम जब हमने जब last year start किया था तब हम धीरे धीरे कितना अच्छा हो गए थे, है ना, हम weight वगैरह उठाना शुरू हो गए थे. Time लगता है stamina build होने में, but hopefully like थोड़ा time बाद stamina build हो जाएगा. So this is what I'm having for my breakfast, lunch, brunch, whatever you want to call it. These are 4 boiled eggs, sprinkled some salt, pepper and chaat masala and lots and lots of dhania as you can see. आप समझ आपको कैसा लगता है एकदम रैंडमली जब आटम छले लग रहे हो और कैमरा आपके सामने आ जाए. देखिए बट ये क्या बना है, अंडा है क्या? नहीं, अंडा नहीं है, पूरा वेज है. तो खा सकते हैं इसको? हाँ. नमक डाल दिया? हाँ. तो ऐसा लग रहा है कि अंडा खा के थोड़ा पेट सा नहीं भरा. राउंड 2 हो रहा है, 5 बज रहे हैं. थोड़ा सा निपुण ने दलिया प्लस अंडे की भुर्जी टाइप्स बना दी है एंड ही ऑल्सो मेड लाइक रोटी. आटा इतना ही था तो 2 रोटी बन पाई एंड ब्रेड एंड सम दही. बताओ ऐसे पता नहीं क्यों आज ज़्यादा भूख लग रही है, मतलब आई डोंट नो, आई एम फीलिंग रियली हंग्री. सो या आई एम हैविंग. तो आज बहुत लेट हो गया डिनर करने में. मेरी कॉल्स होती है वेंसडेज को बहुत लेट तक और अभी वीडियो भी एडिट करनी है कल की. कुछ नहीं बनाया मैंने लिटरली, ये बस निपुण ने थोड़ा सा चावल भिगो के सब्जियां वब्जियां मैंने काट के जस्ट मिक्स्ड एवरीथिंग, इट हैज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल. अभी हम खाने वाले हैं दही है, थोड़ी सी पतली कर ली है एंड टुडे आज तो यही होने वाला डिनर. सी यू टुमारो. पैरों में हो रही है जबरदस्त दर्द बट हम चले हैं अपने डे नंबर 4 पे. 4 है आज हमारी है डांस फिटनेस की क्लास. पूरे 3 मिनट आज हमारे पास, हम लेट नहीं हुए ना. 2-3 दिन का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये बैठ रहा है कि हम ऐसे भाग भाग के पहुंचते हैं. एकदम मेरे बालों की हालत ऐसी हो रही है बट आज कैसा किलर वर्कआउट था. एंड सबसे फनी बात ये है, मैं और निपुण ना जाते वक्त गाड़ी में बात कर रहे थे कि जो लोग लेट पहुंचते हैं ना उनको पीछे की जगह मिलती है खड़े होने की. आज हमें फ्रंट रो मिली है, मतलब लिटरली कोच यहाँ खड़ा है और हम बिल्कुल उसके सामने है. एंड कोई ऑप्शन नहीं था बट टू यू नो नॉट स्टॉप बिकॉज वो सामने ही खड़ा है और हमें दिख रहा है. थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ रहा है, वी कैन एक्चुअली सी इट. अच्छा चौथा दिन हो गया नारियल पानी टाइम. भारी है भाई, एक मिनट रुक जा, रुक जा, पकड़ा नहीं, पकड़ा नहीं. ये तो
फुल ऑफ नारियल पानी है और प्लास्टिक की स्ट्रॉ, नेक्स्ट टाइम से हम अपनी खुद की स्ट्रॉ लेकर आएंगे आई थिंक। इससे भी बड़े और मीठे हमने नारियल पानी पिए थे कूर्ग में, कितने 10 रुपए के, और इतना मीठा होता था वो नारियल पानी। पर खैर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि बड़ा अच्छी सी हाइड्रेशन मिल रही है ना। Oh, I don't know if I can drink this during intermittent fasting. I can, right? It doesn't have any calories. It's just water. चलो भाई लंच का टाइम हो गया, लंच लेट ब्रेकफास्ट ब्रंच जो भी कह लो, लेट मी हैव माय लंच एंड एंजॉय एंड गेट बैक टू वर्क बिकॉज़ टुडे इज अ हेक्टिक डे एज यूजुअल। आज जो हम खा रहे हैं ना, मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने बस सारी सब्जियां कुकर में भर के थोड़ी सी मैक्रोनी डाली है, मैंने एक तरीके से सूप टाइप बना दिया है, तो यही खा रहे हैं। अब पता नहीं क्या है, इसमें ओरिगानो वगैरह सब डाल दिया है, साथ में मुझे लगा थोड़ा सा पनीर भी ले लेती हूं, बस मैंने इतना नहीं खाऊंगी, ये निपुन के लिए, ये मेरे लिए, और थोड़ा सा मैंने लगे हाथ पीनट्स भी रोस्ट कर दिया, तो मतलब पता नहीं क्या बनाया मैंने आज। मैं बड़े वाला लूंगा। हैं नहीं तुम बड़े वाला नहीं, तुम छोटे वाला है, तुम्हारा ये है मेरा ये है। बाय द वे फटाफट आके ये बताना चाह रही हूँ कि आज हम दोनों की ना पूरे अंजर पंजर ढीले हुए पड़े हैं लिटरली। पता कैसे चल रहा है आज, हम मैं दिखाती हूँ कैसे चल रहा है। चला ही नहीं जा रहा, मतलब इतनी दर्द है, इतनी दर्द है। निपुण कह रहा है कि कल निपुण कह रहा है कि स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करना कल, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, आज थोड़ी अलग जगह से गुड मॉर्निंग हो रही है आई नो, बिकॉज आज हमने मार दिया है स्किप। आज सुबह सुबह हमने 7 बजे उठ के क्लास करी कैंसिल, और आज हमने योगा की क्लास बुक करी हुई थी, एंड वी वर लाइक कि आज थोड़ा रेस्ट करते हैं और कल करते हैं, एक दिन बॉडी को रेस्ट देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। यू शुड लिसन टू योर बॉडी व्हेन द बॉडी सेज कि नहीं आज नहीं हो पाएगा, तो ठीक है आज नहीं हो पाएगा, नॉट एन एक्सक्यूज, बट हाँ जेन्युइनली बहुत ज्यादा पेन है हम दोनों को। तो आज देख लो हम लंच में क्या खा रहे हैं, बिकॉज आज हमारे घर पे कौन आया हुआ है। हेलो आकाशी, क्या खा रहे हो? विथ वाइट बटर एंड ये, और हम भी साथ में खा रहे हैं आलू का पराठा, और मैं अपना फास्ट ब्रेक कर रही हूँ विद दिस। आई हैव ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटरमेलन एंड यस दैट्स फॉर लंच। ओके सो अभी हम लोग आए हैं थोड़ा बाहर, आज आई डोंट नो इट्स फ्राइडे नाइट, सो वी हैव कम आउट टू अ जापानीज रेस्टोरेंट चेन, एंड वी आर एक्चुअली हैविंग अ मिक्स ऑफ कात्सु करी एंड और क्या खा रहे हैं, एंड आई एम हैविंग उडोन, लाइक उडोन, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट बेसिकली नूडल्स। और ये निपुन की चॉइस थी कि मेरे को यहाँ पे लेकर आया, ही इज एक्चुअली बिन हियर एंड ही वाज लाइक आई वांट टू मेक यू ट्राई ऑल द थिंग्स एंड दो हिताशी माशे दे और मेरे पर पता नहीं क्या बैंगन भिंडी पर्ल एग सब आ गया, एंड निपुन का प्लेट काफी टेम्पटिंग लग रहा है। आई कांट वेट टू डिग इन, इज इट प्रॉपर चीट मील हो रही है निपुन, द है चीट मील। How's it? It's nice. Curry is yummy. We are gonna see you later. We're gonna dig in. Bye. Good morning, y'all. Today is the next to next day. कल मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं करा क्योंकि कल हम गए नहीं, कल हमने फिर से छुट्टी मार ली। एक्चुअली हम लोगों ने डांस की क्लास बुक कराई हुई थी और हम वेट लिस्ट में थे, और सुबह ही जब हम उठे तो वी रियलाइज कि हम वेट लिस्ट में अप्रूव नहीं हुए हैं और हमारी क्लास कन्फर्म नहीं हुई है, तो फिर हम वापस जाकर सो गए। और अभी पहले हम बहुत खुश हुए। पहले निपुण बहुत खुश हुआ। अच्छा तुम तो खुशी, और मैं भी खुश हुई। आज हम जा रहे हैं अपनी योगा क्लास पे, और मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि आज मेरी नई योगा मैट है जो हमने डिकैथलॉन से ली है, तो मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। कुछ कुछ आसन तो इतने मुश्किल थे, तुमसे वो हुआ जिसमें उल्टे होके वो पीछे पैर करके अपने कमर को ऊपर करना है, जिसमें उसे शर्ट अंदर रखने को बोला था। पूरा हुआ? हाँ, कोई नहीं हुआ होगा तुमसे भी। मुझसे भी नहीं हुआ, मतलब मैंने एक बार करा, पीछे पूरा चली गई मैं, तुमसे वो वाला फिर मुझे समझ नहीं आया मैं आगे कैसे आऊँ। तुम्हारा वो वाला होगा जिसमें टांगों के नीचे हाथ शोल्डर घुसा के पूरा पकड़ के उल्टा उल्टा पड़ रही। नहीं वो मैंने इजी वाला वेरिएंट करा। कई कई आसन यार ऐसे होते हैं कि सुन के ही लगता है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, और होता भी नहीं है मतलब।
खैर अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से घर, और घर जाके थोड़ा बहुत और दिखाऊंगी, एक और एक चीज दिखानी है मुझे। कल मेरे को एक बड़ा सही पीआर पैकेज आया है, तो वो मुझे तुम लोगों को दिखाना है। ओके, सो आई एम होम एंड एज आई मेंशन दैट आई हैव दिस रियली ह्यूज पीआर बॉक्स व्हिच आई वांट टू शो यू। दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम मैक्स प्रोटीन राइट बाइट। सो द कॉन्सेप्ट इज जैसे, एंड इवन आई हैव रियलाइज्ड दिस थिंग व्हाइल आई एम इंटरमिटेंट फास्टिंग, दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू यू नो हैव योर प्रोटीन इनटेक राइट एंड टू ईट हेल्दी। अगर जैसे आपको भूख लग रही है, हंगर एकदम क्रेविंग हो रही है, सो इट्स नॉट दैट यू काइंड ऑफ मंच ऑन जंक फूड, बट यू कैन ऑल्सो हैव हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स इंस्टेड। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मैक्स प्रोटीन इज प्रमोटिंग। दिस इज नॉट अ पेड कोलैब, दिस इज अ बार्टर, एंड दे हैव सेंट ओवर दिस huge box which has a lot of things. Max protein cookies, 7-grain breakfast cookie, और इसमें ना कोई added sugar नहीं है, which is the best part. These ones have 10 grams of protein, 4 grams fiber, calcium and no maida. And not only that, they've sent me their max protein 7-grain protein snacks also. I have like a month long or maybe more than that supply of protein bars. बहुत सारी है, they're falling apart, but yeah, I think this is a really cool concept of healthy snacking, especially when you know you are keeping a track of your calorie intake as well as your nutrient intakes. Again, I'm not an expert who can actually guide you, but this is from my own personal experience. I have noticed that you know to take protein in your diet is really important, especially jab aap workout kar rahe ho to aapke muscles ko protein ki zarurat hai. Mujhe pehle main bilkul dhyan nahi deti thi ki kitna protein main intake kar rahi hu, but ab ha I keep a check ki main jo bhi apni meals le rahi hu usme side pe thoda sa protein zarur ho, chahe wo egg ho, paneer ho, soya ho, chicken, fish, mutton, whatever it is. I am going to be linking their Instagram account below if you want to check it out. You can also use my coupon code for a 15% discount. With that, I'm gonna end this vlog right here. Exercising regularly feels so good. मतलब जब आप regularly exercise करते हो ना, तो आपको खुद भी लगता है कि हाँ आप ज़्यादा कुछ गंदा मत खाओ. I will keep you updated. Of course, as I say, progress not perfection. धीरे-धीरे progressing towards achieving what you know I want to achieve for my body, which is a healthy lifestyle, healthy living. And अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी मोटिवेशन मिले है, और आप लोगों ने भी कुछ स्टार्ट करा हो, जो भी छोटी भी एक्सरसाइज हो, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज हो, लाइक रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, जिम, कल्ट, एनीथिंग, मुझे नीचे जरूर बताना. I'm gonna see you all in my next video. Till then, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर. बहुत सारे लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है. नोटिफिकेशन बेल दबाओ, बिकॉज कभी कभी मैं बोनस वीडियोज लगाती हूँ जो कि मेरे ऑन शेड्यूल नहीं होती है, और सरप्राइज वीडियोज होती है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा मुझे मुझे कमेंट करके बताओ ये भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. एंड हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो. दैट्स हाउ माय हैप्पी फेस फैमिली इज गोना ग्रो. आई एम गोना सी यू ऑल माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.